इंस्टाग्राम रील्स पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि ये वर्सेस में है तो लास्ट में बताएंगे भी कि हमें किसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसी बंदी चाहिए थी तू वैसी दिख रही है। इंडियन जनर भी बहुत ब्यूटीफुल है। अलिश्वा, क्या बात है, ये स्टाइल बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पे इनके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अलिश्वा सारी खतरनाक है यार। बहुत ही प्यारी वीडियो लग रही है। फिल्म का सीन लग रहा है। सब भरी हुई है। और ये जो आगे लगी हुई है ना बहुत प्यारी लगी है। उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और गेटअप भी ऐसा किया हुआ। अभी अभी कमरे से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि छिपकली जमीन पे चल रही है। इतनी सारी जगह दे रखी है दीवार पे, उसपे चलो। कल को अगर हम दीवार पे चलने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी मर्यादा में रहो, समझ गई? मुझे बोल सीधा सामने। मैंने बोला मैं उल्लू, उल्लू का पट्टा गधा। दुनिया जानती है नया क्या बोला। मैं उल्लू जो तेरे प्यार से भागता। बाल भी काजल भी लगा रखा था उसके झुमकों ने। नीता का बाल साड़ी में बहुत प्यारी लग रही है। यार ये जितनी भी हमारे बर्गर श्राइन्स होते हैं ना जो डिफेंस के क्लिफ्टन में रहते हैं, मेरी लोगों से बहुत हटने लगी है भाई, बुरा मत मानना। मैंने अपने कुछ बर्गर फ्रेंड के साथ मिलकर हैंगआउट प्लान बनाया कि चलो यार अम्मी खुश होंगी, इंग्लिश बोलते अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, अम्मा भी मना नहीं करेंगी। तो उनमें से एक बोली कि हाँ यार चलो कुछ हम एक्साइटिंग एंड एडवेंचर्स हैंगआउट करते हैं। तो उसमें से तीसरी बोली कि हाँ यार व्हाई नॉट, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मैंने पहले कभी ना किया हुआ।
लेकिन उनका एक्चुअली प्लान क्या था, कहते हैं कि काम करते हैं हम लोग बस में चलते हैं, बस में चलते हैं। भाई मैं बचपन से बस में कुछ एक्साइटिंग नहीं है, मजा नहीं आता जब पीछे से धक्के लगते हैं। ओह माय गॉड, हम लोग बस में बैठेंगे, रिक्शे में जाएंगे, गोलगंजा खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, पाकिस्तान है, थोड़ा कल्चर बातें सही बोलती है। एक्साइटिंग, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। ओह माय गॉड भाई, हमने अपना क्या जबरदस्त एक्टिंग करती है। मतलब हमारे लिए कुछ नया नहीं है इसमें, बचपन से इसी में घूम रहे हैं हम। मैं भी थोड़ा मौन भी बन गया कि चलो वही चलते हैं। और फिर उन्होंने ये ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि बस में एसी नहीं था। अलग थी, ऐसी टाइप की वीडियो पहली बार देखी है सोम्या की। पाकिस्तान की वीडियो में ना खूबसूरती बहुत है। गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं। मुमकिन अगर होता किसी को अपनी उम्र लगाना, मैं हर सांस में अपने बाप का नाम लिखती। मैं समझा बाप नहीं होगा, मैं समझा बाप नहीं होगा। अच्छी एक्टिंग करी है। मना कर दिया। सदका उतारो अपना, मेरा दिल आ गया है तुम पर। कभी कभी बहुत ज्यादा सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था। वेस्टर्न कल्चर में देसी तड़के जैसी है वो, डेनिम्स के जमाने में दुपट्टा संभालने वाली है वो। बहुत ही प्यारी, ब्रश लगाएगा उसके चेहरे पे, सिर्फ एक काली बिंदी से इंडियन की हॉट वीडियोस हैं। बिना छुए भी प्यार करना, वो है मोहब्बत। इनकी बहुत प्यारी वीडियो, ये इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वो है मोहब्बत, हर रोज उसी को चुनना, वो है मोहब्बत। इनकी वीडियो अलग होती है सबसे। बिगड़ गई है बिगड़ गई। करेगी डोका खुले आम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे। ये वाला तो छोड़ो ये लगान दे। Baby,
वाइट कपड़े पहन रहा है पाकिस्तान में, बहुत सुंदर है, और ग्रीनरी में होते हैं वाइट कपड़े। लोग सूरत की बात करते हैं, मुझे तो उसकी आवाज से भी प्यार है। इनकी फनी होती है ज्यादा, मेरा परिवार का बहुत बड़ा नाम है झांसी में, किसी से पूछ लो। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा पति क्या करता है, क्या जवाब दोगी? पति? हंसी रही हो, दिमाग झांसी छोड़ के आए हो। लुका तो छुपा के रखी, राज ही बना के रखी, सोने आवे तेरा मेरा प्यार, यार आवे दिल तड़पे मेरा, तेनु कोई मैं तो खोना ले जे। और तुझे गीत माजे सुर एक गाँव का, गाल तुझे हाथ माजे काना खाली देऊ का। ये भी देखी भी लग रही है लेकिन नाम नहीं पता। इनकी भी आपसे गजब, बस मोहब्बत है आपसे, बस मोहब्बत है आपसे। क्यों है, क्या है, कैसे है? ये बहुत क्यूट लगती है। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, बस ये जान लो, बस ये जान लो कि मोहब्बत है आपसे। एक्सप्रेशन भी बच्चों ने सुना। आई लव। अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं, तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। हो सके तो भाड़ में चले जाना, लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं। सही बात है। रफ्तार बीवी उफ़े, गुफ्तार बीवी उफ़े, बलोची ड्रेसिंग है, बीवी उफ़े, चश्मार बीवी उफ़े, आशिश के तू जान। और सॉन्ग भी ऐसा पठाना वाला है। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। रियांशी की भी गजब वीडियो होती है, हम उसे याद नहीं करते। क्या मस्त लग रही है। दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, सुनिएगा ये शेर। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। ओ बहुत ही खतरनाक वीडियो थी सबकी, लेकिन पाकिस्तान की वीडियोस में बहुत ज्यादा खूबसूरती दिखती है। इंडियन की भी बहुत जबरदस्ती एनर्जी थी इनमें बहुत ज्यादा। वैसे इन दोनों वीडियोस का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, वो अपनी जगह पर बेस्ट थी और वो अपनी जगह पर, लेकिन क्योंकि वर्सेस में है लेकिन इसलिए हमें एक कोई बताना पड़ेगा। मुझे ज़्यादातर पाकिस्तानी वीडियोस अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिख रही थी, और मुझे इंडियन अच्छी लगी क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी थी और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी सर। और पाकिस्तानी वीडियोस में क्योंकि उनके ज़्यादातर वीडियोस वाइट कपड़ों में थी और ग्रीनरी में, और उनका एंगल भी ऐसा था, वीडियोस भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इंडियन ज़्यादा जीन्स में अच्छी लगती है तो ज़्यादा जीन्स ही पहनती हैं, और पाकिस्तानी ज़्यादातर शलवार कमीज में अच्छी लगती हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसमें जो भी वीडियो थी सारी लड़कियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो गाइस मुझे तो ज़्यादातर पाकिस्तानी वीडियो इंडियन अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो आप बताना आपको किसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी, और ये भी बताना कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।